अक्सर दोस्तों तो रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रिजर्वेशन सिस्टम कैसे शुरू हुआ और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन का इतिहास क्या है, क्यों ये सिस्टम आज भी रेलेवेंट है और कैसे इसने सामाजिक न्याय और समानता की तरफ एक कदम उठाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सोशल इनइक्वालिटी। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हजारों सालों से विविधता और अनेकता का संगम रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ वर्ण और जाति प्रथा भी रही है जो समाज में समानता और भेदभाव का कारण बनी। वर्ण व्यवस्था ने कुछ वर्गों को उच्च स्थान दिया जबकि कुछ वर्गों को निचला स्थान दिया। इस सोशल इनइक्वालिटी के कारण कई लोगों को शिक्षा, रोजगार और समानता से वंचित रहना पड़ा। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान भी यह सोशल हायरार्की बरकरार रही। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1901 में सेंसस ऑफ इंडिया शुरू किया जिसमें लोगों को कास्ट के आधार पर रिकॉर्ड किया गया। इस सेंसस ने यह दर्शाया कि भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कितनी गहरी है। सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरु और पेरियार ईवी रामास्वामी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक सुधार के लिए लड़ाई शुरू की। अब देखते हैं ब्रिटिश एरा एंड अर्ली एफर्ट्स। ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ अर्ली एफर्ट्स रिजर्वेशन को लेकर किए गए। 1902 में महाराजा ऑफ कोल्हापुर शाहूजी महाराज ने प्रिंसली स्टेट ऑफ कोल्हापुर में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट था रिजर्वेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। 1932 का पूना पैक्ट भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट था जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इनिशियली ब्रिटिश ने कम्युनल अवार्ड्स अनाउंस किया था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे दलित्स को। गांधी जी ने इसके खिलाफ फास्ट अनटू डेथ किया जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ और एग्रीड किया गया कि रिजर्व सीट भी दी जाएंगी शेड्यूल कास्ट के लिए विद इन हिंदू इलेक्टोरेट। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई। संविधान सभा ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए प्रावधान किए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत समाज के पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। संविधान सभा ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इनिशियली 10 इयर्स के लिए रिजर्वेशन प्रोविजन किया था। आर्टिकल 330 और 332 के तहत एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट दी गई लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। 29th अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। 1953 में नेहरू गवर्नमेंट ने फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया जिसमें काका केलेकर कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें रिकमेंड किया गया था कि 70% पॉपुलेशन को बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए और उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यह क्लियर क्राइटेरिया नहीं दी पाई कि बैकवर्ड है क्या। इस रिपोर्ट ने कहा कि बैकवर्डनेस को एजुकेशनल और सोशल फैक्टर्स के आधार पर जज किया जाना चाहिए, लेकिन यह इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। मंडल कमीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया जिसमें कॉमनली मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इस कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट ने सुझाव दिए कि 27% ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में रिजर्वेशन दी जाए। 1990 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के सुझाव को लागू किया जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा सानी केस में इन सुझावों को स्वीकार किया और रिजर्वेशन को संवैधानिक मान्यता दी। इस केस में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसे रिलेटिवली एफ्लुएंट ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया करंट रिजर्वेशन सिस्टम। आज भारत में रिजर्वेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लास जिसको ओबीसी बोला जाता है उनके लिए 27% रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन जो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह रिजर्वेशन सिस्टम शिक्षा, सरकारी नौकरी और विधानसभा के चुनाव में लागू होता है। इसका मकसद है समाज के
पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का मौका देना और समाज में समानता स्थापित करना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन 1993 में किया गया था ताकि ओबीसी के लिए इश्यूज और रिकमेंडेशन को एड्रेस किया जा सके। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, ये बात भी सत्य है कि रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर कुछ आलोचना भी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये मेरिटोक्रेसी को प्रभावित करता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक जरूरी कदम है सामाजिक न्याय और समानता के लिए। कई बार रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन में भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो ओबीसी में रिलेटिवली रिच लोगों को एक्सक्लूड करता है। जैसे रिसेंटली अगर एग्जांपल देखें तो पूजा खेड़कर का केस आईएएस बनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस में डिसाइड किया था कि क्रीमी लेयर ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि सिस्टम में सुधार और यह सुनिश्चित किया जाए कि सच में जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके। सिग्निफिकेंस एंड द फ्यूचर, रिजर्वेशन सिस्टम ने कई लोगों की जिंदगी बदली और इसको आगे बढ़ाने का मौका भी दिया, लेकिन आज भी कई सुधारों की आवश्यकता है ताकि ये सिस्टम और भी फेयर और इफेक्टिव बन सके। भविष्य में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रिजर्वेशन का मकसद पूरा हो और समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। नीति आयोग की रिपोर्ट्स और एजुकेशनल सर्वे दिखाते हैं कि रिजर्वेशन ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया है, लेकिन सिस्टमेटिक रिव्यूज और मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि इंश्योर किया जा सके कि रिजर्वेशन का फायदा सच में नीडी सेक्शन तक पहुंच सके। कंक्लूजन, दोस्तों, रिजर्वेशन का मकसद है समाज के सभी वर्गों को एक समान अवसर देना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ये सिस्टम हमारे संविधान मूल्यों को दर्शाता है और एक नया भारत बनाने की तरफ एक कदम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही हमने हिस्टोरिकल वीडियोस हमारे चैनल पर डाली हुई है, जिसका आई बटन मैं अपनी स्टोरी में अभी डाल दूंगा ताकि आप ये हिस्टोरिकल वीडियोस और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।